Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. So हम हिस्ट्री का पहला लेसन जो हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट ये देख रहे हैं, और इसमें हमने अभी तक फर्स्ट पॉइंट ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, हिस्टोरियोग्राफी का ट्रेडिशन कैसा है, बाद में हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नरेटिव, हिस्टोरिकल नरेटिव लिखने के लिए कौन कौन सी हिस्टोरिकल मेथड यूज़ की जाती है इसके बारे में हमने देखा है। बाद में ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, हिस्टोरियोग्राफी का ट्रेडिशन कैसा रहा कि जो भी इतिहासकार होता है वो जो भी सब्जेक्ट के बारे में हिस्ट्री लिखता है तो उसकी अपनी खुद की कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होती है। बाद में हम आके पहुँचे थे मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी पे। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी हम लिखने के लिए साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हैं। पुराने ज़माने जैसा जिसका सुना वही लिखना ऐसा नहीं होता है इसमें। बाद में डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी, यूरोप में आहिस्ता आहिस्ता साइंटिफिक पर्सपेक्टिव हिस्टोरियोग्राफी लिखने में कैसे यूज़ होने लगा इसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की है। बाद में नेक्स्ट नोटेबल स्कॉलर्स जो है यूरोप में वो उनके बारे में हम देख रहे थे, देखा है। उसमें से पहले था रेने देकार्त, उसकी बुक थी डिस्कोर्स ऑन द मेथड। बाद में हमने वोल्टेयर के बारे में जान लिया है। बाद में जॉर्ज विलहेम फ्रेडरिक हेगल, इसके बारे में हमने पढ़ा। और हम यहाँ तक अभी लियोपोल्ड वॉन रैंके, यहाँ तक हम आके पहुँचे हैं। तो ये जो लियोपोल्ड वॉन रैंके है उसका जन्म जो है 21 दिसंबर 1795 को हुआ था, और उसका जो डेथ है 21 मई 1886 को हुआ था। हिस्टोरियोग्राफी ऑफ द 19th सेंचुरी की जो हिस्टोरियोग्राफी है 1900 टू 2000 तक की वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय, उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा था इसका, बाय द थॉट्स ऑफ लियोपोल्ड वॉन रैंके। लियोपोल्ड वॉन रैंके के जो थॉट्स थे उनका ज़्यादा प्रभाव 19th सेंचुरी की हिस्टोरियोग्राफी पर पड़ा है। वो कहा कि थे बर्लिन यूनिवर्सिटी, बर्लिन ये जर्मनी की कैपिटल है, तो जर्मनी में जो जर्मनी की जो बर्लिन कैपिटल है उसमें बर्लिन यूनिवर्सिटी करके है, उसमें लियोपोल्ड वॉन रैंके पढ़ाते थे। ही स्पोक अबाउट द क्रिटिकल मेथड, उन्होंने इसके बारे में बात कही है, क्रिटिकल मेथड कि हमें जो मेथड यूज़ करनी है वो क्रिटिकल होनी चाहिए। क्रिटिकल मतलब जो भी हमें हिस्ट्री लिखने के लिए सोर्स मिला है उसके बारे में हम मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च करने के लिए जो भी हमें सोर्स मिला है, जो फिर वो रिटर्न हो, मटेरियल हो, ओरल हो, उसको हमें चिकित्सक मेथड यूज़ करनी चाहिए। मतलब वो सही में सच है या झूठ है, सही है गलत है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ही पुट एम्फेसिस, इसके लिए उसने एम्फेसिस इंसिस्ट किया, स्ट्रेस दिया, कहाँ पे, ऑन द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, अटमोस्ट मोस्ट बहुत ज़्यादा, अटमोस्ट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस, किसको, ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, कि जो भी इन्फॉर्मेशन गैदर्ड हुई है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, जो हमें डॉक्यूमेंट मिला उससे हम अभी हिस्ट्री लिखने वाले हैं, तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसमें से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उस पर हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ही ऑल्सो स्टेटेड दैट, उसने ये भी बताया, ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट जो होते हैं, एसोसिएटेड विथ
हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में जो एसोसिएट होते हैं, टू बी एग्जामिन्ड, उसको एग्जामिन करना चाहिए, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए विद ग्रेटेस्ट केयर, बहुत ही केयरफुली, कि जो हमें हिस्टोरिकल इवेंट में, हिस्टोरिकल जो इवेंट घटे हैं, तो उसके बारे में जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें मिलेंगे उसकी हमें अच्छी तरह से जांच पड़ताल करनी चाहिए। ही बिलीव्ड दैट, उनका ऐसा कहना था, विद दिस मेथड, इस मेथड से इट वॉज पॉसिबल टू रीच, ये अब पॉसिबल होता हुआ है टू रीच द हिस्टोरिकल ट्रूथ, कि इस मेथड से हम हिस्टोरिकल ट्रूथ जो है वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें पॉसिबल हो सकता है। इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी डॉक्यूमेंट मिलता है उसे हमें ग्रेटेस्ट केयर के साथ एग्जामिन करना चाहिए। ही क्रिटिसाइज्ड इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री, उन्होंने वहाँ तक उसके पहले इमेजिनेटिव नरेशन जो क्या करते क्या करते थे होता था हिस्ट्री में, वो नहीं होना चाहिए, उसके उस पर उसने क्रिटिसाइज़ किया। मतलब उसके ऊपर उन्होंने बोला कि ये जो काल्पनिक चीज़ें हैं उसे हम हिस्ट्री में नहीं लेना चाहिए। कलेक्शन ऑफ हिज आर्टिकल्स, तो उन्होंने जो भी आर्टिकल्स लिखे, उनके जो आर्टिकल्स के जो कलेक्शन है, पब्लिश्ड इन टू बुक्स, वो दो बुक्स में कलेक्शन हुआ है उनके आर्टिकल्स का। एंटाइटल्ड, मतलब नेम, क्या नेम था उन दो बुक्स का, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, ये उनका पहला बुक है, और दूसरा बुक है, दूसरी किताब है सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो उन्होंने जो भी कहा, जो भी लेक्चर दिया होगा, जो भी आर्टिकल लिखे होंगे अलग अलग मैगजीन में, वो सब इकट्ठे करके ये दो किताब बनाई गई है। तो हमें एग्ज़ाम के लिए आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर करके क्वेश्चन आता है, लियोपोल्ड वॉन रैंके के आगे इन दोनों में से कोई बुक का नाम नहीं रहेगा, तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे रॉन्ग पेयर, और सही पेयर करके हम लिखेंगे लियोपोल्ड वॉन रैंके, उसके आगे दोनों किताब में से एक का नाम लिखना होगा। हमारा नेक्स्ट जो हिस्टोरियन है वो कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स ये जो है वो बहुत ही मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरियन है, इकोनॉमिस्ट है, सोशलिस्ट है, बहुत सारे थॉट्स के ऊपर अभी भी दुनिया के बहुत सारे देश उसके थॉट को फॉलो करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो उसका जन्म 5 मई 1880 को हुआ था, और जो मृत्यु है वो 9 मार्च 1883 को हुई है। इन द लैटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी 18 से लेके 19 तक, वो जो सेंचुरी है उसके आधे हाफ के बाद, 1850 के बाद, अ न्यू स्कूल ऑफ थॉट, एक नया ही स्कूल बोले तो हम जो स्कूल जाते हैं वो स्कूल नहीं, थॉट बोला इधर, थॉट मुझे विचार प्रवाह, विचारधारा, नया ही विचारधारा का एक स्कूल मतलब एक ग्रुप बोलो हम बोलेंगे हम, तो एक नई सोच रखने वाले लोग का एक उगम हुआ, अराइज हुआ, कीपिंग इन व्यू, ध्यान में रखते हुए, द न्यू थेसिस, एक नया ही थेसिस जो जिसने पुटअप किया था, फॉर्मुलेटेड बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स द्वारा एक नया थेसिस, एक नया विचार, एक नई सोच जो आगे आई, उसके ऊपर ये न्यू स्कूल तैयार हुआ। ये स्कूल जो है, ये पहला इसका जो इसका सोर्स है, तो जो ग्रीक लैंग्वेज से आया है,
तो इसका स्पेलिंग था CKHOLE, मतलब इसका मतलब था कि लोग जहाँ पे बैठ के डिस्कशन करते थे, प्लेस फॉर डिस्कसिंग, तो उसको स्कोल कहते थे, SKHOLE, बाद में उसका SCH LLOL ऐसा हो गया। तो ये जो है कार्ल मार्क्स के विचारों के ऊपर एक नया नया विचार प्रवाह शुरू हुआ। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स का कहना था, हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। जो हम हिस्ट्री लिखते हैं वो हिस्ट्री एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज नहीं है, मतलब खाली काल्पनिक जो दिखाई नहीं देता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंग्लिश में अपने अपन मालूम है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कि जो भी हमारे मन में सुख की भावना, दुख की भावना, दया की भावना होती है, उसको हम दूसरों को दिखा नहीं सकते, वो हमारे माइंड में रहती है। इसका मतलब हमारे माइंड में जो होती है उसे खाली हम ही महसूस कर सकते हैं, उसे हम अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ऐसे अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में लिखने वाला इतिहास नहीं होता। तो फिर इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल, हिस्ट्री जो लिखी जाती है वो लिविंग पीपल, जिंदा लोगों के लिए, जिंदा लोगों की हिस्ट्री लिखी जाती है। जिंदा मतलब पीपल, जो लोग पीपल होते हैं वो। ह्यूमन रिलेशनशिप्स, जो मानवीय संबंध होते हैं, आर शेप्ड, उनको शेप मिलता है बाय फंडामेंटल नीड्स। जो लोगों की जो फंडामेंटल नीड रहती है, फंडामेंटल नीड्स बोले तो फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, अन्न, वस्त्र, निवारा, ये जो चीज़ें होती है, और पीपल लोगों की, ह्यूमन रिलेशनशिप आर शेप्ड बाय फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल, लोगों की जो मूलभूत गरज होती है वो, एंड द ओनरशिप, और उसकी मालकी जिसके पास है, मालक वर्ग, ओनरशिप, ओनर्स, एज वेल एज नेचर ऑफ, एंड उसका स्वरूप जो होता है, नेचर ऑफ प्रिवेलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रिवेलेंट उस समय, जो भी समय चलता हो, जो भी काल चलता हो, जो भी पीरियड हो स्टडी करने का, हिस्ट्री का स्टडी करने का, उस टाइम में जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन करने के जो मीन्स है, साधन है, टू मीट दोज नीड्स, और वो नीड्स पूरे करने के लिए ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप के बारे में हिस्ट्री लिखनी चाहिए। फिर एक बार देखो, ह्यूमन रिलेशनशिप आर शेप्ड, ह्यूमन रिलेशनशिप जो है उसको शेप मिलता है किससे, फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल, लोगों की जो मूलभूत गरज है, एंड द ओनरशिप, एंड उसकी जो ये फंडामेंटल नीड्स पूरे करने के लिए जो मालकी होती है, एज वेल एज नेचर ऑफ प्रिवेलेंट मीन्स, उस जमाने में जो भी मीन्स रहेंगे प्रोडक्शन के, उनकी गरज पूरी करने के लिए, उसके बारे में हमें हिस्ट्री लिखनी है। द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस मीन्स, अभी जो ये जो मीन्स है, कौन सी मीन्स, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो हम जो भी उत्पादन देते हैं उसके लिए क्या क्या, कौन सी चीज़ों की जरूरत होती है। समझो हम खेती बाड़ी करते हैं तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया हमारा लैंड, लैंड में हम हमें जो भी गेहूं उगाना हो, जवार उगाना हो, राइस उगाना हो, तो इसके लिए हमें लगेगा लेबर, और जो चीज़ें हमको लगेगी उसके लिए, समझो अभी लैंड जो होती है, लेबर होते हैं, उसके हमें देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा सैलरी के फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में। तो ये जो हम उसके लिए जो हम बीज वगैरह बोएंगे उसके लिए पैसा लगेगा, तो इसमें हमें पैसों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ये हो गया मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, थर्ड कैपिटल, एंड उसका जो मालिक होगा उसको हम करेंगे
एंट्रप्रेन्योरशिप, फिर एक बार ध्यान में रखो, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बोले तो लैंड, लेबर, कैपिटल, इन शॉर्ट मनी एंड एंट्रप्रेन्योरशिप। ये खेती बाड़ी के बारे में हो गया। अभी समझो किसी ने फैक्ट्री शुरू की हो तो फैक्ट्री के लिए लैंड लगेगी, फैक्ट्री में काम करने के लिए लेबर लगेंगे, फैक्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल लगेगा और उसका मालिक एंट्रप्रेन्योरशिप। तो ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया। तो ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, एक्सेसिबिलिटी, उनकी जो अवेलेबिलिटी है ऑफ दिस मीन्स, ऑफ दिस मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंट्रप्रेन्योरशिप टू डिफरेंट स्ट्रेटा, तो अलग अलग स्ट्रेटा के लिए, अलग अलग स्ट्रेटा, स्ट्रेटा म्हणजे वर्ग, लेवल ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी में जो वर्ग होता है, समझो हमें लोग, या अभी तो इस सदी में हायर लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल, ऐसे तीन लेवल है। तो ये तीन लेवल के लिए ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मे नॉट बी इक्वल, सबको समान नहीं मिलता है। तो जो रिच पीपल है उनके पास ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो सकते हैं, जो मिडल लेवल के पीपल है उनके पास कम हो सकते हैं, और जो लोअर लेवल है उसको हम पुअर बोलेंगे, उसके पास तो बिल्कुल रहेगा ही नहीं। तो ये कार्ल मार्क्स कहता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंट्रप्रेन्योरशिप, ये समाज में रहने वाले अलग अलग लेवल के लोगों के लिए अलग अलग उसकी इनइक्वेलिटी हो सकती है, इक्वल हो नहीं हो सकता। दिस इनइक्वेलिटी, और जो ये जो इनइक्वेलिटी है कि भाई सबको ये चीज़ें नहीं मिलती, इसके लिए क्या होगा, कॉज अ डिवीजन ऑफ द सोसाइटी। तो इसकी वजह से सोसाइटी में डिवीजन होगा कि भाई जिसके पास लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप है वो एक अलग वर्ग हो गया सोसाइटी में, इनटू क्लासेस। तो जो क्लासेस में वर्ग हो गया तो ये हो गया हायर लेवल का, जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, चारों मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, लीडिंग टू अ क्लास स्ट्रगल। और ये क्लास जो हो गया, हायर क्लास, लोअर, मिडल क्लास और लोअर क्लास, ये जो क्लास तैयार होगा उनमें क्या होगा, स्ट्रगल शुरू होगा। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, और मार्क्स के अनुसार ह्यूमन हिस्ट्री, जो मानवीय इतिहास है, इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। वो इतिहास जो है वो क्लास स्ट्रगल का है, क्लास स्ट्रगल का है। एज द क्लास दैट ओन्स, ऐसा एक क्लास है जिसके पास सब है, ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसके पास जमीन है, जिसके पास लेबर है, जिसके पास कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए मनी है, और वो खुद मालिक है, एंट्रप्रेन्योर है। इकोनॉमिकली वो क्या करता है, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट्स, तो एक्सप्लॉइट करता है वो, मुझे शोषण करता है, किसका, द रेस्ट ऑफ द क्लास, बाकी के बचे जो दो क्लास है, मिडल क्लास और लोअर क्लास, इनका वो क्या करता है, शोषण करता है। तो हिस्ट्री में जितने भी, हिस्ट्री किसके बारे में है कार्ल मार्क्स के अनुसार, वो क्लास के बारे में है। वो पुराने ज़माने से, एंशंट से लेके मॉडर्न तक, एंशंट में, मिडिवल में और मॉडर्न में, तीनों स्टेजेस में, जो समझो एंशंट में कोई सम्राट रहेगा, किंग रहेगा, क्वीन रहेगी, मिडिवल में आ गए हम समझो उसमें भी सरदार लोग होंगे, सरंजाम लोग होंगे, राजे लोग होंगे, और समझो मॉडर्न में आए हम लोग तो यहाँ पे भी अभी समझो हम देखते हैं कि बड़े उद्योजक है, ओनर्स है, मंत्री है, जो बड़े श्रीमंत लोग हैं। तो इसके मतलब एंशंट हो, मिडिवल हो या मॉडर्न हो, ये तीनों में ये क्लास रहेगा ही। और ये क्लास का जो संघर्ष है वो ही संघर्ष मतलब हिस्ट्री। और ये बड़े लोग हैं, एंशंट में रहो, मिडिवल में रहो, मॉडर्न में रहो, वो क्या करते हैं, उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होने की वजह से इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट द रेस्ट ऑफ द क्लासेस,
बाकी के लोगों को एक्सप्लॉयट करते हैं, क्योंकि उनके पास तो कुछ नहीं होता, तो इन जिसके पास सब होता है उनको बोलते हैं हैव्स। हैव मतलब HAV, हैव मतलब पास होना, समझो आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, तो जिसके पास है वो हो गया हैव्स, जिसके पास नहीं है वो हो गए हैव नॉट्स। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार जो क्लासेस हैव्स और हैव नॉट्स, जिसके पास सब है वो एक वर्ग हैव्स, जिसके पास कुछ भी नहीं वो हो गया हैव नॉट्स। वो दोनों में जो संघर्ष होता है वो संघर्ष का इतिहास, मतलब ये जो ह्यूमन हिस्ट्री होती है उसके बारे में हिस्ट्री लिखनी चाहिए। तो दास कैपिटल, दास मतलब द कैपिटल, कैपिटल मैंने बोला भांडवल या मनी इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है। और ट्रिटीज, उसने जो ट्रिटीज लिखा है, ट्रिटीज मतलब एक प्रबंध लिखा है, डिस्कशन किया हुआ एक पीस ऑफ समझो राइटिंग है, एस्से बोलो इसको। तो ये जो एस्से मतलब बड़ी किताब है, ये पुराने जमाने में ऐसे बोला जाता था। तो जो ट्रिटीज है, प्रबंध है, ग्रंथ है, रिटन बाय हिम जो उसने लिखा है, इज द मोस्ट रेफर्ड, वो अभी भी रेफर किया जाता है, बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में ये बुक अभी भी रेफर किया जाता है। तो ये दास कैपिटल जो किताब है उसमें उसने जो अपने विचार व्यक्त किए, तो ये विचारों के ऊपर ऊपर बहुत सारे देश आज भी चलते हैं। हमारे देश में मार्क्स के विचारों के ऊपर दो पक्ष है, पॉलिटिकल पार्टीज, कौन से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, मार्क्सवादी। अब जब आपको, आप थोड़े बड़े होंगे, 12वीं या 12th को जाएंगे, तो आपको वोटिंग का राइट मिलेगा, आप वोट करने लगोगे तब आपको मालूम हो जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, हमें किसको चुनने की देना है। इन शॉर्ट ये कार्ल मार्क्स के विचारों के ऊपर बहुत, हाफ ऑफ द 25%, 30% ऑफ द कंट्रीज चलती है। और हमारी इंडिया में तो दो पार्टी है, बंगाल में उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, केरला में ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और भी छोटे छोटे जगह उसका इन्फ्लुएंस है अभी भी। तो ये हो गया अपना कार्ल मार्क्स। तो हमारा नेक्स्ट स्कूल, स्कूल मतलब हमने अभी चर्चा की, स्कूल मतलब विचारधारा होने वाला ग्रुप, जो जिस विचारों से हम चलते हैं वो ग्रुप। तो अभी आपने कभी म्यूजिक के बारे में सुना होगा, अगर थोड़ा सा म्यूजिक, म्यूजिक के जो टाइप होते हैं उसको हम घराना बोलते हैं, आपने सुना होगा कि कौन से घराना का वो गायक है। स्कूल कभी सुना है? हाँ, तो हमने कभी सुना होगा कि भाई ये ग्वालियर घराने का गाना है, गाना सिखा है, आगरा घराने का गाना है, किराना घराने का गाना है, जयपुर घराने का गाना है, पतियाला, इंदौर। तो जो हम घराना कहते हैं, मतलब पहले जो संगीत सीखा जाता था वो किस घराने से, घराने का है, किस टाइप का है, वैसा ही स्कूल हमको लेना है, किस विचारधारा का है। तो अभी हमने देखा कि कार्ल मार्क्स, अभी मार्क्स के विचारधारा वाले लोग है, पूरे दुनिया में फैले हैं। तो अभी एनल स्कूल क्या है? तो एनल की विचारधारा, तो एनल से बोले तो क्या, एट द ऑनसेट ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी शुरू होते होते अ न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, एक नई विचारधारा मानने वाला एक ग्रुप हिस्टोरियोग्राफी में अरोज इन फ्रांस, वो फ्रांस में तैयार हुआ कि भाई हमको इस। तो हमने देखा कि एनल स्कूल जो है वो फ्रांस में अरोज हुआ है,
और कौन कौन से स्कूल है फिर, स्कूल बोले तो विचारधारा के ग्रुप कौन कौन से है? तो उसमें से है समझो कैम्ब्रिज स्कूल, नेशनलिस्टिक स्कूल, मार्क्सिस्ट स्कूल और सबाल्टर्न स्कूल। तो ये जो स्कूल है इनके बारे में हम आप अगले लेसन में देखेंगे। तो एनल स्कूल गेव अ न्यू डायरेक्शन। एनल स्कूल ने क्या किया, एक नई दिशा दी टू हिस्ट्री, हिस्ट्री राइटिंग को, इतिहास लेखन को एनल स्कूल ने एक नई दिशा दी। इट वॉज रिकग्नाइज्ड नाउ, अब तक मान के चल रहे थे दैट, कि क्या मान के चले थे, हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट द पॉलिटिकल इवेंट्स। अभी तक मतलब अब तक हम मानते आए थे हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट पॉलिटिकल इवेंट्स, खाली राजनीतिक जो भी घटना घटती हो, राजनीतिक घटना, इतने सारे देश हैं, इतने सारे देशों के आसपास में कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स होती है उसके बारे में हिस्ट्री लिखी जाती है, किंग्स किंग्स के बारे में जो कुछ उनका एक दूसरे किंग्स के साथ जो व्यवहार होता होगा, ग्रेट लीडर्स जो महान नेता होके गए उनके बारे में, अकॉर्डिंगली पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के अनुसार पॉलिटिकल इवेंट्स, किंग्स, ग्रेट लीडर्स, इनके बीच में जो कोई इवेंट, जो कोई घटनाएं घटती थी, डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी, फिर वही दो देशों के बीच कैसा व्यवहार होना चाहिए, एंड वॉर्स युद्ध बैटल्स, इनके बारे में हिस्ट्री, इनका जो इवेंट होता था इनके बारे में इंफॉर्मेशन रखना मतलब हिस्ट्री। ऐसा नहीं है खाली इनके बारे में इंफॉर्मेशन रखने, ऐसा नहीं है, बट ऑल्सो अबाउट द क्लाइमेट, ये जो भी इवेंट घटते थे तब वहाँ का क्लाइमेट क्या था, लोकल पीपल वहाँ के लोग कैसे थे, एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी कैसी हुआ करती थी, ट्रेड वहाँ पे व्यापार कैसे हुआ करता था, टेक्नोलॉजी कौन कौन सी उस टाइम थी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक दूसरे से हम जो बातचीत करते हैं, अभी तो हम मोबाइल से बात करते हैं, इसके पहले मोबाइल के पहले एक पेजर नाम का छोटा सा इंस्ट्रूमेंट था, उसके बाद में बोलो इसके पहले मोबाइल के पहले हमारे घर में लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। तो ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेटर्स वगैरह, बाद में कंप्यूटर आया, सोशल डिविजन्स, समाज में कौन कौन से प्रकार के डिविजन्स वर्ग थे, एंड देयर कलेक्टिव साइकोलॉजी, और जो समाज में जो डिवीजन है उनकी कलेक्टिव साइकोलॉजी, सामूहिक मानसशास्त्र क्या है, इसके बारे में भी जो लिखा जाएगा उसको हम हिस्ट्री मान के चलेंगे। मतलब खाली इसी घटना के बारे में, खाली पॉलिटिकल घटना के बारे में जो लिखा जाता था वही हिस्ट्री नहीं है, तो बाकी के चीज़ों में अभी हमने यहाँ पर जो मेंशन किया इसके बारे में भी जो लिखा जाएगा उसको हम हिस्ट्री मान के चलेंगे। इन द हिस्टोरिकल टाइम्स, उस टाइम पे जो जो घटता था वो। तो द एनल स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियंस। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कॉमन पीपल के बारे में लिखा जाना चाहिए, ये एनल स्कूल द्वारा शुरू किया गया और वो फ्रेंच हिस्टोरियंस ने शुरू की। इसके बाद आता है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। फेमिनिस्ट आपको मालूम है, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, फेमिनिस्ट स्त्रीवादी, महिलाओं के बारे में हिस्टोरियोग्राफी। तो महिलाओं के बारे में जो इतिहास लिखा गया, महिलाओं को नज़र के सामने
नज़र में रखे, तो उनके बारे में जो इतिहास लिखा गया उसको हम फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी कहेंगे। ओके, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मीन्स व्हाट? द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द हिस्ट्री, हिस्ट्री की पुनर्रचना किया जाए। पुनर्रचना कैसे? फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ विमेन, स्त्री की दृष्टि से हिस्ट्री का पुनर्रचना करना चाहिए, ऐसा फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का कहना है। मतलब आज तक जो हिस्ट्री लिखी गई वो लिखने वाले पुरुष ही थे, जिसके बारे में लिखा गया वो भी सब पुरुष थे, मतलब इस हिस्ट्री में महिलाओं के लिए कोई भी जगह नहीं थी, टोटली उनको इग्नोर करके लिखा गया था हिस्ट्री, तो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में ऐसा नहीं होगा। थोड़े बहुत महिलाओं के बारे में लिखा ऐसी कुछ बात नहीं है, लेकिन फिर भी टोटली पर्सपेक्टिव ऑफ विमेन होना चाहिए। द राइटिंग ऑफ सिमोन डी बोवा, प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रखो, सिमोन डी बोवा महिला का नाम है, हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग, उन्होंने एस्टैब्लिश करने के लिए हेल्प किया द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म। तो फेमिनिज्म शुरुआत हुई, फेमिनिज्म स्त्रीवाद, स्त्री के दृष्टिकोण से हिस्ट्री लिखी जानी चाहिए, तो उसके फंडामेंटल्स ये सिमोन डी बोवा ने शुरुआत की। शी वॉज फ्रेंच, वो भी फ्रेंच थी। द फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी एम्फेसाइज्ड, एक किस पे स्ट्रेस देती है, किस पे जोर देती है, इंसिस्ट करती है, नॉट ओनली ऑन द इंक्लूजन ऑफ विमेन इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में जो जो महिलाएं होके गई उनको तो हिस्ट्री में इंक्लूजन करना चाहिए हमको, बट ऑल्सो ऑन द रीथिंकिंग, आपको फिर से विचार करना पड़ेगा ऑफ द मेल डोमिनेटेड परस्पेक्टिव ऑफ हिस्ट्री, कि आज तक जो इतिहास लिखा गया है वो खाली मेल डोमिनेटेड है, पुरुष वर्चस्व बोलते हम, पुरुष की नज़र से लिखा गया जो हिस्ट्री है उसके बारे में हमें रीथिंक करना चाहिए। इट ड्रॉ हिस्टोरिकल रिसर्च, और फिर हिस्टोरिकल रिसर्च में एक फोकस किया गया इन डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ विमेन्स लाइफ, स्त्रियों के जीवन के बारे में डेप्थ में जाके उनके जीवन के बारे में वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में रिसर्च किया गया। कौन कौन सी बाजू देखी लाइफ, वुमेन्स लाइफ, सच एज देयर एम्प्लॉयमेंट, कि उनको उनका काम कैसा था, उनको कहाँ पे काम करना पड़ता था, काम मिलता था कि नहीं, देयर रोल इन ट्रेड यूनियन, मतलब जितनी भी महिलाएं काम करती थी किसी भी कंपनी में वगैरह फैक्ट्री में, तो उनकी डिमांड्स थी शायद रहेगी उस टाइम, तो उनकी भी ट्रेड यूनियन रहेगी, तो उनकी ट्रेड यूनियन का कैसा काम चलता था उनके बारे में। इंस्टीट्यूशंस वर्किंग फॉर देयर कॉज, महिलाओं के लिए हम देखते हैं महिलाओं के लिए बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस काम करती है, महिला संगठन, महिला मोर्चा वगैरह नाम सुनते हैं, तो उनके लिए कौन कौन सी संगठनाएँ इंस्टीट्यूशंस काम करते थे, देयर फैमिली लाइफ, महिलाओं का फैमिली लाइफ कैसा था एट्सेट्रा, ये सब के बारे में ये फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में लिखा जाएगा। इन द हिस्टोरिकल राइटिंग्स आफ्टर 1990 के बाद जो हिस्टोरिकल राइटिंग्स आई है की है विमेन ने, वे आर पोर्ट्रेड एज एन इंडिपेंडेंट सोशल क्लास, मतलब 1990 के बाद विमेन का जो पोर्ट्रे हुआ है, लेखन हुआ है, दिखाया गया हिस्ट्री में उनको इंडिपेंडेंट सोशल क्लास, कि महिला एक अलग सा समाज का अलग सा ही क्लास है,
उनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, ऐसे दृष्टिकोण से इतिहास लिखा गया। तो ऐसे लिखान राइटिंग करने में बहुत सारी महिलाएं फेमस थी। रोमिला थापर है हमारे इंडिया की, मार्गरेट मैकमिलन है, उपिंदर सिंह है, और तनिका सरकार है, उमा चक्रवर्ती है, गर्डा लर्नर है, नयन ज्योत लाहिरी, केट विलियम्स। तो ऐसे कुछ विमेन हिस्ट्रियंस भी अभी हिस्ट्री लिख रही है। तो इनके राइटिंग्स में महिलाओं को भी ज़्यादा स्थान दिया गया है। और हमारे इस लेसन में जो लास्ट का जो हिस्टोरियन है उनका नाम है माइकल फुको, प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रखो, माइकल फुको। इनका जन्म हुआ है 15 अक्टूबर 1926 और मृत्यु हो गया है 25 जून 1984। इनका मृत्यु जो है कहते हैं कि खैर एड्स या HIV से हुआ था। द फ्रेंच हिस्टोरियन जो है ऑफ द 20th सेंचुरी इस सदी के, पिछले सदी के सॉरी, ये फ्रेंच हिस्टोरियन थे माइकल फुको। इन्होंने क्या किया, ब्रॉट फोर्थ अ न्यू कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। उन्होंने एक अलग ही कंसेप्ट हमारे सामने लाई हिस्टोरियोग्राफी की। कौन सी, ही इन हिज बुक, उन्होंने अपनी किताब में, नाम था आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। आर्कियोलॉजी के बारे में हमने अभी बहुत सारा इसके पहले भी डिस्कस किया है, जो रिमेन्स होते हैं लाइक ओल्ड कॉइन्स, बाद में इंस्क्रिप्शन रहेगा, बिल्डिंग्स रहेंगी, वो सब जो पुरानी चीज़ें हैं वो आर्कियोलॉजी में आते हैं। तो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज नाम का उसका उनका बुक था। आर्ग्यूड दैट, उन्होंने इस बुक में ऐसा अपना ओपिनियन दिया कि द प्रिवेलिंग प्रैक्टिस, कि जो ऑफ अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो हिस्टोरिकल इवेंट होते हैं उसको हम अरेंज करते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि ये साल में ये हुआ, बाद में ये हुआ, बाद में ये हुआ, ऐसी जो घटनाएं हम क्रोनोलॉजिकल जो लिखते हैं, वो जो प्रैक्टिस आज तक की जो सिस्टम है वो क्या है, इज नॉट राइट, वो सही नहीं है। फिर ही ड्रू अटेंशन टू द फैक्ट, उन्होंने उस फैक्ट की ओर सबका अटेंशन ड्रॉ किया दैट आर्कियोलॉजी डज नॉट स्ट्राइव। वो क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी जो होती है अभी हमने डिस्कस किया, वो डज नॉट स्ट्राइव टू रीच द अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ। जो अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ होता है उसके नज़दीक हम, वो खाली आर्कियोलॉजी हमें नहीं पहुंचा सकती। तो फिर क्या होता है, बट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन वेरियस ट्रांजिशंस इन द पास्ट, उनके द्वारा, आर्कियोलॉजी के द्वारा हम बता सकते हैं कि भाई वो एक्सप्लेन करता है कि वेरियस ट्रांजिशंस, कौन कौन से ट्रांजिशन हुए, बदलाव हुए, चेंजेस हुए इन द पास्ट, वो हमको बता सकते हैं आर्कियोलॉजी, लेकिन हमें वो अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ नहीं बता सकते। फिर फुको फेल्ट दैट, फुको को ऐसे लगता था, एक्सप्लेनिंग द ट्रांजिशंस इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में जो ट्रांजिशन होता है, जो स्थित्यंतर होता है, बदलाव होता है, चेंजेस होते हैं, उसको एक्सप्लेन करना इज मोर इम्पॉर्टेंट, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ही कॉल्ड दिस मेथड, और हिस्ट्री में जो भी ट्रांजिशन होता है उसको एक्सप्लेन किया जाता है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए, ये जो मेथड है उसे द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, वो इस मेथड को वो
आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज ऐसा कहते हैं। फुको सब्जेक्टेड द सो फार, फुको ने यहाँ तक सोचा, थॉट क्या, फुको को ऐसा लगता था कि आज तक जो है अनअक्नॉलेज्ड एरियाज बाय हिस्टोरियंस, हिस्टोरियंस ने बहुत विषयों के बारे में हिस्ट्री लिखी, लेकिन जितनी भी हिस्ट्री लिखी हिस्टोरियंस ने उन्होंने अनअक्नॉलेज किया है, मतलब इग्नोर किया है। किसकी तरफ, सच एज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, हिस्ट्री में ऐसी भी घटनाएं हुई हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मानसिक संतुलन में बिगाड़, इसको हम कहेंगे मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस, एंग्शियस, एंग्जायटी, फोबिया मतलब किसी का डर रहना, डिप्रेशन, पैनिक होना, स्ट्रेस मूड, ये जो चीज़ें हैं इनके इनको हिस्टोरियंस ने अनअक्नॉलेज किया है। और किसको किया है अनअक्नॉलेज, साइंस ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की जो हिस्ट्री है मेडिसिन के बारे में अनअक्नॉलेज किया है। प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो क्रिमिनल्स होते हैं कुछ का क्राइम करते हैं वो फिर प्रिजनर्स, वो जो कैदी होते हैं वो जेल जाते हैं, तो जेल में जाने के बाद दिल्ली में तिहार है, पुणे में यरोड़ा है, तो ये फेमस जो जेल है, और हमारे इंडिया में छोटे मोटे बहुत सारे जेल हैं, तो ये जेल में इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहता है इसके बारे में हिस्ट्रीस ने कुछ नहीं लिखा। अब अपने बापूजी महात्मा गांधी जी कहते थे कि जेल को एक हॉस्पिटल की तरह होना चाहिए, हॉस्पिटल की तरह। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि कोई भी आदमी जब क्राइम करता है वो इसका मतलब उसका मानसिक संतुलन उस वक्त ठीक नहीं होता, इसलिए वो मूड में जाके वो क्राइम करता है, तो उसको मेंटली ठीक करने के लिए जेल भेजा जाना चाहिए, उस जाके उसको वहाँ पे ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि भाई जेल में बहुत सारे कैदी होते हैं, उनको अलग अलग काम सिखाया जाता है, उनका जब पीरियड ख़त्म होता है बाद में वो घर जाके वो काम अपना शुरू कर सकता है, तो इनके बारे में नहीं लिखा, ऐसे फुको का कहना है, एट्सेट्रा। टू हिस्टोरिकल एनालिसिस, हिस्टोरिकल एनालिसिस करते टाइम ये चीज़ें हिस्टोरियंस ने इग्नोर की है। दस इन दिस वे द स्कोप ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, हिस्टोरियोग्राफी का जो एक्सपांशन है, स्कोप है, केप्ट कंटिन्यूसली एक्सपांडिंग, वो एक्सपांडिंग होती जा रही है, अलग अलग चीज़ों के बारे में हिस्ट्री लिखा जाने लगा है, तो कैसे एक्सपांड हो रहा है, कौन कौन सब्जेक्ट आ रहे हैं हिस्ट्री में, राइटिंग ऑफ हिस्टरीज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स, अलग अलग विषयों के बारे में हिस्ट्री, लाइक लिटरेचर हो, लिटरेचर हमने जो नॉवेल्स होती है, पोएम्स होती है, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, इनकी भी कुछ हिस्ट्री रहेगी, तो हमारे एंशंट इंडियन एंशंट हिस्ट्री में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये चार तो वेद है ही, बाकी और कुछ जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, उनके पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में, महाभारत, रामायण, ये सब लिटरेचर, इनका भी हिस्ट्री होनी चाहिए। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर यहाँ पे दुनिया भर में और भारत में भी बहुत सारे बड़े बड़े आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स वगैरह है, दुनिया में चाइना की वॉल है, पिरामिड्स है इजिप्ट की, भारत में ताजमहल है, फिर फ्रांस में आईफिल टावर है, और दुनिया का सबसे पुराना मंदिर कंबोडिया का अंगकोर वट है,
और पिसा का लिनिन टावर ये तो इसके बाद इनके बारे में भी हिस्ट्री लिखनी चाहिए, लिखी जाती है। स्कल्पचर मतलब स्टैच्यू होते हैं, वो बहुत सारे स्टैच्यूज प्रसिद्ध है हिस्ट्री में। डेविड ने बनाया हुआ, डेविड का माइकल एंजेलो ने बनाया हुआ स्टैच्यू है। बाद में हम देखते हैं अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, वो महिला हाथ में मशाल लेके खड़ी है। इजिप्ट में जो गीजा का जो स्पिंग्स है वो है, नफरतीती इजिप्ट की रानी नफरतीती का स्टैच्यू है। तो इनके सारे ये स्टैच्यूज स्कल्पचर में आते हैं। ड्राइंग का हिस्ट्री पहले ज़माने से लेके आज तक, पहले ज़माने में पुराने काल में केव्स में ड्राइंग किया जाता था, वॉल्स पे चारकोल से किया जाता था, पेस्टल कलर्ड पेंसिल क्रेयॉन ग्राफिक पेन पेंसिल ऐसे ऐसे में बदलाव होते गए ड्राइंग में। पेंटिंग्स कौन कौन सी पेंटिंग्स, तो हमें मोनालिसा का पेंटिंग मालूम है, अभी इस पार्ट में हमने देखा, पहले पार्ट में मोनालिसा का पेंटिंग कौन से म्यूजियम है, कौन से म्यूजियम में रखा है, लूर म्यूजियम में रखा है। तो वो पेंटिंग है मोनालिसा का, लियोनार्डो दा विंसी ने निकाला हुआ। बाद में विंसेंट गॉग, ये एक जग प्रसिद्ध आर्टिस्ट होके गए, इन्होंने स्टारी नाइट नाम का उनका एक पेंटिंग बहुत ही प्रसिद्ध है स्टारी नाइट। तो बहुत ही डिप्रेशन में जब वो गए थे तो उन्होंने वो स्टारी नाइट पेंटिंग ड्रॉ करी थी। बाद में थोड़े दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। हमने सुशांत सिंह राजपूत जो आपके फेवरेट हीरो है, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। तो दो दिन पहले उन्होंने भी वही पेंटिंग स्टारी नाइट्स अपने अकाउंट पे, फेसबुक अकाउंट के डीपी पे रखी थी। तो इन सब का स्टडी होना चाहिए। पाब्लो पिकासो और एमएफ हुसैन, अपने भारत के एमएफ हुसैन, ये भी बहुत बड़े वर्ल्ड फेमस पेंटर हैं। म्यूजिक के बारे में हमें हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। म्यूजिक तो बाक, बिथोवेन, बिटल्स, माइकल जैक्सन का नाम आपने सुना होगा, एल्विस प्रिस्ले, मोजार्ट, मैडोना वगैरह, ये सब सारे म्यूजिक के म्यूजिशियंस है, उनका इतिहास लिखना चाहिए। डांस फॉर्म तो आपको मालूम है, आप डांस के प्रोग्राम टीवी पे होते रहते हैं, डांस इंडिया डांस वगैरह आपने देखा होगा। तो डांस के भी फॉर्म्स है, वो कैसे बैले रहेगा, ब्रॉडवे रहेगा, क्लासिकल है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, भारत में कथक है, जाज है, टैप डांस, साल्सा, हिप हॉप, कंटेम्प्रेरी वगैरह, ये सब डांस अभी फॉर्म हुए, कैसे फॉर्म हुए, इनका हिस्ट्री है। ड्रामा बोले तो नाटक से शुरुआत की, कौन से नाटक की शुरुआत कैसी रही, तो इसमें शेक्सपियर जो था वो वर्ल्ड फेमस वो प्ले राइट नाटक का, रोमियो जूलियट, हैमलेट, मैकबेथ, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउनिंग नाम के थे, इब्सेन थे नॉर्वे के, एंटन चेकाव थे। तो नाटक और वर्ल्ड फेमस एक नाटक है, वो उसका नाम है माउस ट्रैप। क्या नाम है? माउस ट्रैप। उसको लिखा था एगाथा क्रिस्टी ने। किसने लिखा था? एगाथा क्रिस्टी। वो लंदन के वेस्ट एंड थिएटर में, ध्यानपूर्वक सुनो, लंदन के वेस्ट एंड थिएटर में 1952 से शुरुआत होके आज तक मतलब कोरोना वायरस के पहले मार्च 16, 2020 तक वो कंटिन्यूस चला है, कंटिन्यूस
इतने साल चलने वाला एकमेव नाटक है, ड्रामा है, और मराठी में भी ऑल द बेस्ट नाम का नाटक बहुत अच्छा चला था, तो ड्रामा का भी हिस्ट्री होना चाहिए। फिल्म्स कैसे शुरू हुई उसकी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। लुमियर ब्रदर्स ने फिल्म शुरू की, स्टार्ट फिल्म इन पेरिस 28 दिसंबर 1895 को, और फिल्म से जग प्रसिद्ध बहुत सारी फिल्में हैं। गॉन विद द विंड है इंग्लिश में, शिंडलर्स लिस्ट है, लॉरेंस ऑफ अरेबिया है, बेनहर है, टाइटैनिक है, जुरैसिक पार्क है, हिंदी में शोले आपने देखी होगी, तो ग्लैडिएटर है, तो बहुत सारी ऐसी फिल्में, उनकी हिस्ट्री कैसी है। टेलीविज़न है, टेलीविज़न के भी बारे में हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। टेलीविज़न का इन्वेंशन कितने किया, जेल बेर्ड ने, उसको फादर ऑफ टीवी कहते हैं। बाद में पहले ब्लैक वाइट टीवी था, बाद में कलर टीवी आया, हम लोग अभी हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स टीवी पे देखते हैं, अलग अलग तरह की हिस्ट्री चैनल भी है, आप देखा करो। तो ये टेलीविज़न की शुरुआत कैसी हुई, टेलीविज़न पे हम सीरियल देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, ऑडियो विजुअल मीडियम है ये, तो टीवी भी बहुत अच्छा एक माध्यम है, बहुत इम्पोर्टेंट माध्यम है। टीवी सीरियल में काम करने वाले जो कलाकार है आगे जाके बहुत बड़े स्टार हो गए। शाहरुख खान वो टीवी सीरियल में सर्कस नाम के सीरियल में काम करते थे 30 साल पहले, बाद में वो अभी हिंदी के सुपरस्टार है। सुशांत जो सिंह राजपूत थे उन्होंने भी अपना करियर टेलीविजन शुरू किया था 10 साल पहले पवित्र रिश्ता करके। तो इन सब चीज़ों का इतिहास केम इनटू प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस में आने लगा है, हिस्टोरियोग्राफी का स्कोप बढ़ने लगा है। तो इस पार्ट में, इस लेसन में हमने हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेखन कैसे किया जाता है और वो वेस्ट में किस प्रकार शुरू हुआ और नोटेबल स्कॉलर्स कौन कौन से थे, इन सब की हमने इन्फॉर्मेशन इस लेसन में ली है। तो ये हो गई हमारी वेस्ट ट्रेडिशन, डेवलपमेंट इन द वेस्ट, यूरोप में कैसे प्रकार का इतिहास लेखन डेवलप हुआ, इसकी हमने इसमें अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन ली। आई होप ये अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। अगले लेसन हम सेकंड लेसन जो है हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन, ये तो वेस्ट हो गई, यूरोपियन हो गया, अमेरिकन हो गया समझो, तो इंडियन ट्रेडिशन कौन सी है, इंडिया के हिस्टोरियंस कौन से हैं, उन्होंने क्या क्या लिखा, कौन से चीज़ों के बारे में फोकस किया, वो हम अगले लेसन में देखेंगे, सेकंड लेसन में। तो आपको ये लेसन कैसा लगा, आपको अच्छी तरह समझ गया होगा आप, आई होप अगर आपको अच्छी तरह समझा है तो लाइक करो। लाइक मतलब वहाँ पे जो थंब का हमको मार्क दिखता है उसको प्रेस करना है, थंब के मार्क को शेयर करो, अपने फ्रेंड को शेयर करो, उसको एरो दिखता है, एरो दबा के हम शेयर कर सकते हैं, आपके फ्रेंड को शेयर करो, रिलेटिव शेयर करो, और जो भी इसमें कुछ आपको कमियां लगती हो, कुछ सजेशन हो, डाउट्स हो, वो हम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स सबसे नीचे होता है आप, और चैनल सब्सक्राइब करो। तो हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप ये लेसन आपको एग्ज़ाम में अच्छी तरह से हेल्प करे, आपको अच्छे अंक प्राप्त हुए आपको। Thanks.